नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज 24। खबर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से आ रही है, जहां पर कृषि कानून को लेकर नहीं निकला कोई समाधान, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार और कहा कि जल्द से जल्द निकाला जाए समाधान। आइए देखते हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से समीर खान की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हित के लिए बात कही। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 4 कमेटी बनाई जाएंगी, जिसमें से किसान अपनी बातों को रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में हुए किसान शहीदों पर भी चिंता जताई है और कहा है कि देश के किसान से महत्वपूर्ण हमारे लिए कृषि कानून मायने नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लिए यह भी कहा कि किसान आंदोलन में महिला व बच्चे, बुजुर्ग लोग नहीं होंगे शामिल। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें से केवल नौजवान ही कर सकेंगे शिरकत। आंदोलन किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं को सुनकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के साथ है और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। किसानों का कहना है कि आने वाली 15 तारीख की बैठक में नहीं हुआ कोई भी समाधान, 26 जनवरी को जवान निकालते तिरंगा परेड, अब की बार किसान निकालेंगे तिरंगा परेड। कृषि कानून बिल को लेकर क्या कुछ बोले किसान। 5 मिनट पहले फटकार लगाई और तीनों बिलों को रोक दिया कि ये बिल अभी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, क्या कहना है? तुम खुश हो वैसे यहाँ बात पे? बिल्कुल एकदम। तो भैया को सुप्रीम कोर्ट ने तो सुन के दिन से ही कही है कि भैया किसान इतने तुमने दिल्ली के आसपास इकट्ठे कर लिए, बीमारी है काटन, इनकी समझ में आवे ना, झूठ सच के फॉर्मूला इकट्ठे कर रहे हैं। काटन पे बैठते तो उन्हें एक आइए किसान बना ला में, एक आइए गज बना ला में, ऐसे भाग रहे इतने आ जाएंगे लेन पर। सच कोर्ट ने तो बहुत ही बढ़िया कही है और शुरू से ही कही है भाई। तो जिस तरह फटकार लगाई है सरकार को, क्या कहना है इसके ऊपर आपको? या सरकार से पूछ लियो कब का होगा। नहीं, किसान खुश है या नहीं है? किसान तो खुश है भाई, किसान तो सूखे दिन से ही खुश है, क्योंकि सरकार को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। दिन से ही खुश है भाई, तो सरकार ने तो बहुत ही बढ़िया बात कही है, सूखे दिन से ही कही है। अब क्या अगला स्टेप है किसानों को? अब जाएंगे यहाँ पड़े कल्ला जी यही मिलेंगे, काम खत्म करवा के जाएंगे। तो अब तो स्टे लग गए, कान के लगा दियो स्टे। होल्ड को मतलब ये कोर्ट ने ये कही है, कागज तो दे इसको, धरी हमने धर दिए अपने हाथ से और इन्हें निपटाओ, ये संकेत दियो उन्हें। उनके दिमाग में ना आ रही तो मैं कहा उन्हें क्या करूं भाई, उनको इलाज करूं। सर जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा है कि 26 जनवरी की जो परेड होगी वहाँ हाई सिक्योरिटी होती, वहाँ कोई नहीं ऐसे जा सकता, तो उस पे जो भी बेटा ऐसे ना कहीं के ना जा सके। पुलिस उन्होंने अपनी चिंता जताई है, कोई बात ना, लोकतंत्र में चिंता जताई जहाँ सारी बात उन्होंने पुलिस पे छोड़ी है। अरे तो कोई बात ना, पुलिस में भी हमारी बालक है, बतरा लेंगे उनसे, तुम परेशान मत हो, उनसे बात कर लेंगे हम अपने बात करते, अब टेंशन करो तू। अगर पुलिस नहीं जाने देगी तब ताऊ? यार आगे की बात है, वहाँ देने तो आ जान दे। नहीं दिन तो साई ले जाओ भर के तुम नहीं, 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 लेकिन आप अपनी नीति तो बना के रखेंगे ना। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, या ये भी कहा है कि आंदोलन में बुजुर्ग लोग, महिला, बच्चे नहीं शामिल हो पाएंगे। अपनी चिंता उन्होंने जताई है,